subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Welcome to GK Education Channel. तो दोस्तों आज की इस खास महत्वपूर्ण वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं आरआरबी जेई एग्जाम को लेकर के कि किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, सीबीटी वन क्लियर होने वाला है. और क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का था तो बहुत ही हमने 6 घंटे की मेहनत करने के बाद ये 4 का कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं जिनका सिलेक्शन 100% नहीं 110% होगा डंके की चोट पे. शर्त यह है कि आपको अंत तक की वीडियो देखना होगा. आप अंत तक की वीडियो देखेंगे तो इस फॉर्मूले को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फटाफट. तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं. तो दोस्तों हमारा सबसे पहला कैंडिडेट है जिसकी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी. अब दोस्तों जैसे ही आरआरबी जेई का एग्जाम शुरू होता है ज्यादातर आपके 28 तारीख तक जो पेपर होते हैं यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही पेपर हुआ है. तो नंबर एक में मैंने इनको रखा. अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट यदि कोई भी 62+ करके आता है और 90% की एक्यूरेसी रखता है तो इन कैंडिडेट के 7 से 10 नंबर आराम से इजिली बढ़ जाएंगे. ओके, अब देखिए जैसे ही 62 का आप 90% निकालोगे तो इनका रो मार्क करीब 54 बनेगा. ठीक, अब देखिए मैंने जैसे कहा 7 से 10 नंबर बढ़ने वाला है तो मैंने इनके अपने बेस पर 8 नंबर मैंने बढ़ाए. अब दोस्तों इनका नॉर्मलाइज मार्क मेरे अकॉर्डिंग 62 नंबर आराम से जाने वाला है, 1 नंबर का फर्क हो सकता है और इनका सिलेक्शन लगभग 95% एग्जाम सीबीटी वन क्लियर हो जाएगा. ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे. ठीक है, और दोस्तों ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरा आंकड़ा सही जाने वाला है क्योंकि मैंने ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ सब में देखा है कि इन आपका नॉर्मलाइजेशन जो है आपका मेन एक्यूरेसी और अटेम्प्ट पर डिपेंड करता है. ओके, चलिए अब बात करते हैं दूसरी कैंडिडेट की. और दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, हो सकता कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, उनकी असहमति अभी मैं जो है सहमति में बदलता हूँ. देखिए अब दूसरा कैंडिडेट हमारा है जिसकी शिफ्ट सरल थी और मैंने देखा है कि कुछ शिफ्ट सरल थी. ओके, अब सरल थी तो इनके नॉर्मलाइजेशन में 2 से 6 नंबर ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला क्योंकि उनकी शिफ्ट सरल थी. अब तो दोस्तों अब शिफ्ट सरल थी तो इनका गुड अटेम्प्ट 65+ होना चाहिए और एक्यूरेसी 90% की ही होना चाहिए. नॉर्मलाइजेशन मतलब 90% से ऊपर एक्यूरेसी तो रहना ही चाहिए. अब दोस्तों जब ये 65+ क्वेश्चन करके आते हैं 90% जब 65% निकालेंगे तो इनके रो मार्क करीब करीब 56 बनेंगे. अब जैसे कि मैंने कहा 2 से 6 नंबर बढ़ने वाले हैं तो इसमें मैंने 5 नंबर जोड़े, 4 नंबर भी हो सकता है तो इनके 60 से 61 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क बन जाएंगे आराम से इजिली और इनका सिलेक्शन लगभग 90% एग्जाम क्रैक हो जाएगा. और ये दोस्तों मैंने यूआर के हिसाब से लिखा है, बाकी जन आपका ओबीसी एससी एसटी होता है तो आपके एग्जाम क्रैक करने के चांस और बढ़ जाते हैं. ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट कैंडिडेट देखते हैं. अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अब दोस्तों हमारा नंबर 3 का कैंडिडेट है जिनकी सिर्फ मॉडरेट थी. अब मॉडरेट किन की थी दोस्तों, 28 मई के बाद जितने पेपर हुए हैं कोई भी शिफ्ट में हो ज्यादातर उसमें 95% पेपर मॉडरेट हुए हैं और रेलवे का यही नियम हमेशा से रहा. अब मॉडरेट थी तो इनके नंबर बढ़ेंगे 12 से 22 नंबर तक बढ़ेंगे तो इनका अटेम्प्ट भी कम होना चाहिए. बाकी आप 100% रख सकते हो तो कर सकते हो. ठीक है, गुड अटेम्प्ट 55+ मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा है यदि आप एक्यूरेसी 90% की रख लेते हो. ओके, ये दोस्तों मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि कॉमेंट्स में लोग बहुत से छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा. तो मैंने सोचा कब तक कमेंट में जवाब दूंगा आपका, सीधे मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ वीडियो के माध्यम से. ओके, तो देखिए जब आप 90% एक्यूरेसी आप करोगे तो इनका रो मार्क बनेगा 47. ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि 12 से 22 नंबर इनका बढ़ना श्योर है तो मैंने मीडियन निकाला 15 नंबर. अब दोस्तों जैसे 47 और 15 जुड़ेंगे तो इनके मार्क्स 62 से 63 नंबर बन जाएंगे. ओके, और इनका एग्जाम क्या हो जाएगा, 94% क्रैक हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और नॉर्मलाइजेशन का खेल आपको समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट लास्ट कैंडिडेट की बात करते हैं दोस्तों, स्किप नहीं करिएगा, लाइक कर दीजिएगा यदि आप मेरी बात से सहमत हो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने महत्वपूर्ण सजेशन लेना ना भूलें. अब दोस्तों चौथे नंबर प्रकार जो कैंडिडेट हमारा जिनकी शिफ्ट हार्ड थी. अब दोस्तों मैंने उसमें एनालिसिस किया था तो मैंने ये देखा कि जो आपके 1 और 2 जून को जो पेपर हुए वो पेपर बहुत हार्ड थे. ओके, तो इन कैंडिडेट के चांस है कि 24 से 37 नंबर तक इनके इजिली बढ़ेंगे जो कि रेलवे ने हमेशा किया है और इसलिए इनको 50+ भी अटेम्प्ट मार के आते हैं 90% एक्यूरेसी रखते या उससे अधिक रखते तो इनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं. आप देखिए कैसे, अब देखिए 50 में जब 90% एक्यूरेसी है तो इनके 43 नंबर करीब करीब रो मार्क बनेंगे
और इजिली इनके बढ़ने वाले हैं। चलिए 27 ना सही 25 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे डंके की चोट पर। ओके, तो इनका जो मतलब नॉर्मलाइजिंग मार्क बनेगा 68 से 70 बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इनका सिलेक्शन 100% 100% हो जाएगा, क्योंकि CBT 1 RRBJEE के लिए क्वालिफाइंग नेचर है, इसलिए दोस्तों ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। और इन सब का यही वो चार कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन आराम से 110% टंके की चोट पर कह सकता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये फार्मूला आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं इस पे एक पोल रखूंगा, आप आई बेल पर क्लिक करके उस पोल पर हिस्सेदारी जरूर करें और आपने कितने अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी कितनी रखी कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, 22 लाख बच्चों में ये कॉम्पिटिशन होने वाला है और 2 लाख कैंडिडेट CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि RRB ग्रुप डी और RRB NTPC भी आगे लगा हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत।